आप यहाँ पहुँचे आप? करनाल पहुँच के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे अच्छा स्वागत किया गया और सब घर वाले सब खुश हैं, सब दोस्त पापा के फ्रेंड सब रिश्तेदार सब बहुत खुश हैं इस बात से। आपने इसके लिए कितनी मेहनत की और आपका किसको मानते हैं इसके लिए? अब आई एम शूटिंग में मैंने बहुत मेहनत करी है, हाँ दादाजी बहुत मेहनत करी है, उस मेहनत का फल मिल रहा है अब। और दादाजी पापा मम्मी सब साथ रहे हैं, सिस्टर साथ रही है और सिस्टर भी शूटर है, वो भी उसने भी बहुत सपोर्ट किया है। आप किसको अपनी सिस्टर को गुरु मानते हैं या अपने पापा को? वो भी आपकी सिस्टर? पापा भी हैं, सिस्टर भी हैं और शूटिंग के जो कोचेज हैं वो सब। एक चीज और सामने आई है कि जो आपकी जो सिस्टर है वो उसने भी गोल्ड मेडल जीता था। हाँ जी। उसके साथ सुनने में ये भी आया चाहिए उसकी गलती आप निकालते थे, वो आपकी गलतियाँ निकालती थी, क्या? हाँ, ट्रेनिंग हम दोनों अकेले करते थे जब, जैसे तो फिर मैं मुस्कान को बता सकता हूँ, दोनों शूटर हैं तो एक दूसरे की गलती आसानी से देख सकते हैं। और अब जूनियर वर्ल्ड कप में दोनों ने गोल्ड जीता तो वो भी एक रिकॉर्ड बन गया कि बहन भाई ने सेम वर्ल्ड कप में दोनों ने इंडिविजुअल गोल्ड जीता हो। आगे की क्या तैयारी है? अब आगे एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी है। दूसरे युवाओं को क्या कहना? और दूसरे युवाओं को कहना चाहूँगा कि अपना कोई गेम भी करें साथ में, पढ़ाई के साथ साथ गेम बहुत ज़रूरी है और इसमें बहुत आगे कामयाबी मिल सकती है। सुने में आपके पेपर एग्जाम भी थे तो कैसा? आप पेपर छोड़ के वहां देने गए थे और अब आप रीशेड्यूल किया? हाँ, एग्जाम्स मेरे सीबीएसई के, सीबीएसई ने रीशेड्यूल करे हैं, उसका सीबीएसई को बहुत थैंकफुल हूँ। और अब कल अब 3 दिन कंटिन्यू एग्जाम्स हैं, उसकी भी तैयारी करनी है। वर्ल्ड कप की क्या तैयारी है जी? अभी एग्जाम्स के बाद मैं कोरिया वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूँ 21 तारीख को, तो एग्जाम्स के बाद फिर उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। गोल्ड मेडल दिखा दो एक बार ऊपर। हाँ जी। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा जीवन में आपके संघर्ष की कोई कहानी? दिक्कतें सर, करनाल से निकल के दिल्ली गए और वहाँ पे ट्रेनिंग करी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आगे का सपना क्या आपका? क्या सपना है, क्या काम करना है? अब आगे कॉमनवेल्थ गेम्स सब बहुत मेन अचीवमेंट है और ये सपना था मेरा इसका भी, अब आगे एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेन टारगेट है।